नमस्कार दोस्तों, दवा जानकारी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेलेक्स 40 टैबलेट के बारे में, जानेंगे ये टेलेक्स 40 कौन सी कंपनी का दवा है, साथ ही साथ जानेंगे मार्केट में कितना प्राइस में ये दवा मिलता है, जानेंगे ये दवा का यूज़ किस लिए किया जाता है, कितना मात्रा में लिया जाता है, साइड इफेक्ट क्या है, और जानेंगे दोस्तों कौन कौन से व्यक्ति ये दवा को सेवन नहीं कर सकता है। उससे पहले दोस्तों दवाओं की संपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल दवा जानकारी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। दोस्तों ये जो टेलेक्स 40 टैबलेट आती है ये इंटरलैब का आती है, जिसका एक बॉक्स में 10x10 पैकिंग में एक स्ट्रिप में एक 10 गोली का पैकिंग है। दोस्तों इसका जो प्राइस है 10 गोली का, इसका है 66.97 पैसा। दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन का बात करो दोस्तों, इसमें टेलमिसर्टन 40 मिलीग्राम हर एक टैबलेट में दिया हुआ है। दोस्तों ये एक एज शेड्यूल ड्रग है, विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्राइब ये दवा आप नहीं ले सकते हो, डॉक्टर प्रेस्क्राइब से ही ये दवा का यूज कीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेता हूँ ये दवा का क्या यूज है। इसमें जो टेलमिसर्टन 40 मिलीग्राम है ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है ये दवा हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर रहता है 120 to 80 रहता है, जिससे अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई बीपी होने के जो कारण रहते हैं, कभी कभी ये फैमिली वाइज ही होते हैं, किसी फैमिली में बुजुर्गों को बड़े को ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको भी ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उससे बाद जैसे आपको ज़्यादा टेंशन लिए तो कभी कभी उस स्थिति में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, ज़्यादा नमक लिए तो उसके बाद। दोस्तों हमारा लाइफ स्टाइल में भी जैसे फैटी टाइप खाना खाने के वजह से ओबेसिटी मोटापन के भारी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता ये दवा पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों एक बात मैं समझ करूँ दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो तो ये दवा डॉक्टर द्वारा ये दवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेता हूँ इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी व्यक्ति ये दवा का सेवन नहीं कर सकता है। जैसे कोई प्रेगनेंसी हो तो इस दवा का सेक्स मना है, लीवर किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो डिसऑर्डर हो तो उस टाइम में भी ये दवा को सेवन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों दारू पी रहे हो साथ ही साथ दूसरा कोई नशा कर रहे हो तो उस स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर होती है, तो उस स्थिति में भी ये दवा सेवन करना हानिकारक होता है, डॉक्टर को सलाह लेके सेवन कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों ये जो टेलेक्स 40 है इसका डोसेज का बात कर दो। दोस्तों टेलेक्स 40 जो है टेलमिसर्टन इसका कॉम्पोजिशन मार्केट में 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम का आती है, डिपेंड करते दोस्तों पेशेंट का सिचुएशन के ऊपर में आती है। फिर भी जो एक कॉमन डोसेज है 40 मिलीग्राम का वो दिया जाता है पेशेंट में दिन में एक बार खाना खाने के बाद, सुबह मॉर्निंग लिए तो 3 घंटे के बाद इसका असर शुरू हो जाता है, 24 आवर्स तक इसका असर रहता है। तो चलिए दोस्तों जान लेता हूँ ये दवा लेने के बाद जो साइड इफेक्ट आता है किस किस का प्रॉब्लम का हो सकता है। जैसे आपको दस्त लग सकती है, सांस नाली में इन्फेक्शन जैसा हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा शरीर में सूजन लग सकती है, सभी टाइम लो ब्लड प्रेशर रहता है, इस टाइप भी कुछ भी ब्लड प्रॉब्लम दिखाई दिया तो साथ ही साथ अन्य भी कुछ समस्या दिखाई तो तुरंत ये दवा का सेवन को स्टॉप कीजिए एंड डॉक्टर को संपर्क कीजिए। दोस्तों ये थी टेलेक्स 40 के बारे में पूरी जानकारी। आशा करते हो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।